स्लीप को लेकर एसएसओसी एक बार फिर से तरनतारन पहुंची है, जहां पर नहर में सबूतों की खोज की जा रही है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल इस मामले में लगातार सबूतों की तलाश में जुटी हुई है, जिसके तहत आतंकी आकाशदीप की निशानदेही पर कई साल से बंद पड़ी राइस मिल से पाकिस्तानी ड्रोन के जले हुए हिस्से बरामद किए गए थे। और एसएसओसी फिर से आकाशदीप की निशानदेही पर तरनतारन के एक नहर से ड्रोन का बाकी सामान खोजने में जुटी हुई है, जिसके लिए गोताखोर भी बुलाए गए हैं। तो जिस तरीके से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की नापाक हरकत और साजिश का खुलासा हुआ था, अब जो है इसके निशानदेही जो है आकाशदीप की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लगातार अब जो है जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। मुनीश मेरे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। मुनीश, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है, कहां कहां पर फिलहाल जो है एसएसओसी की तरफ से छानबीन चल रही है? जी मोनिका, जैसे लगातार की जो एसओसी ने जो आतंकी पकड़े थे, अब उनकी संख्या जो 4 से बढ़कर 6 हो चुकी है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ में कई अहम खुलासे होते जा रहे हैं। अभी फिलहाल इस पूछताछ में सबसे अहम कड़ी है आकाशदीप सिंह, जो ड्रोन जो उठाया गया था राजू के गांव से, जिसमें हथियार आए थे वो आकाशदीप, और इसी में जो बलवंत सिंह बाबा और निहंग है, ये दोनों वहां से लेकर एक शेल्टर में पहुंचे थे। वहां पे इन्होंने जो है ड्रोन जो गिराया था, वहां पे उसको जलाने की कोशिश की गई। पहले 2 दिन तक फोरेंसिक टीम वो शेल्टर चाटती रही, वहां से कई सबूत इकट्ठे किए, ड्रोन के कुछ उनको वहां पे आग जले हिस्से मिले। लेकिन अब जो है यहाँ पे तरनतारन की एक नहर है, वहां पर एसडीआरएफ की टीम और स्टेट स्पेशल ऑपरेशन की टीम जो है ज्वाइंट रूप से यहाँ पे नहर को खंगालने में सुबह से लगे हुए हैं, और यहाँ पर उन्होंने गोताखोर जो है वो नहर में उतारे हैं। यहाँ से कई सबूत उनके हाथ फिलहाल जो लगे हैं, लेकिन हालांकि अभी मीडिया को आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहे ये लोग, और लेकिन लगातार जो है गोताखोर जो है वहां से कुछ सबूत निकाल कर जो है वो यहाँ से गाड़ियों में इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल लगभग 2.5 घंटे से, अगर मान के चलो 2.5 घंटे से लगातार यहाँ पर सर्च की जा रही है। बिल्कुल, सर्च यहाँ पर मुनीश की जा रही। कितने गोताखोर नहर में फिलहाल है मौजूद और कोई खुलासा अब तक हो पाया हो? जी मोनिका, इसमें अभी तक जो है लगभग 10 से 12 जो गोताखोर हैं वो नहर में हैं। इसके अलावा जो है बोट एक जो है वो भी नहर में, मोटर बोट है वो भी नहर में उतारी गई है। लगभग अगर हम बात करें 200 मीटर के आसपास का जो नहर का अंदरूनी हिस्सा है वो खंगाला जा रहा है, वो छांटा जा रहा है। पुलिस फोर्स वहां पे लगाई गई है, बीएसएफ के कुछ जवान वहां पे लगाए गए हैं, और जो है संयुक्त रूप से यहाँ पे अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। जी मोनिका, बिल्कुल मनीष, आकाशदीप की निशानदेही पर लगातार ये छानबीन जो है वो चल रही है। क्या इसके अलावा कहीं और पर एसएसओसी की तरफ से छानबीन चल रही है क्या, या सिर्फ नहर में फिलहाल छानबीन चल रही है? जी मोनिका, देखिए इसमें क्या जो आतंकी पकड़े हैं एसओसी ने, क्योंकि इनके तार सीधे संबंध जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके इशारे पे ये सारा काम किया जा रहा था। पंजाब में दहशत फैलाने की, आतंकी घटनाओं को करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसको हालांकि फिलहाल जो हथियार बरामद किए हैं एसओसी ने उसको नाकाम तो किया है, लेकिन आगे उनकी क्या रणनीति है, आतंकियों की क्या रणनीति है, आगे का क्या प्लान होगा, इस बारे में उनसे लगातार पूछताछ जारी है। फिलहाल जो आकाशदीप और जो बलवंत सिंह बाबा, इनसे पूछताछ की जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि मोनिका जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काउंटर इंटेलिजेंस जो स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल है उनके ऑफिस में लगातार 2-3 दिन से लगातार दस्तक दी है, वहां से पूछताछ इंडिविजुअल रूप से की जा रही है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि आज एडीजीपी रैंक के कोई अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो स्टेट स्पेशल ऑफिस में आएंगे और वहां पे जो आतंकी है उनसे आगे की जो है पूछताछ होगी। जी मोनिका, बिल्कुल। मुनीश, अगर मैं इस नहर की बात करूँ तो आसपास के कौन कौन से इलाके इस नहर से जुड़े हुए है और कितना वक्त अभी तक हो चुका है छानबीन को? जी ये लगातार आपको बता रहा हूँ, पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार ये सर्च की जा रही है, क्योंकि जो 2-2.5 घंटे से सर्च करने का मतलब ये है कि इनको कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे इनकी उम्मीद और बढ़ी है, ताकि इसीलिए इन्होंने सर्च का जो है टाइम और बढ़ाया है और लगातार वहां पे सर्च की जा रही है। और इसका जो सारा इलाका है फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल सुनसान है, फिलहाल जो है सरहदी ये एक इलाका है तो बिल्कुल ये सुनसान इलाका है। तो लेकिन जो एसडीआरएफ की टीम और जो एसओसी की टीम है लगातार यहाँ पे अभी सर्च की जा रही है और कई सबूत यहाँ से एकत्रित भी किए गए हैं। जी मोनिका, बिल्कुल। मुनीश, इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर गोताखोर नहर में तलाशी कर रहे हैं और माना यही जा रहा है कि कुछ सबूत हाथ लगे हैं,
क्या ड्रोन को लेकर कोई सबूत हाथ लगे हैं या इसके अलावा भी कुछ और बरामद हुआ है नहर से अब तक? जी मोनिका, अगर हम सूत्रों की माने तो ड्रोन जो है वो आकाशदीप और उसके साथियों ने जो है पंप शेलर में जलाने की कोशिश की थी उसको, ताकि खुट बुट करने की कोशिश की थी ताकि वो किसी के हाथ ना लग सके। लेकिन जब पूछताछ में एजेंसियों को पता लगा, एसओसी की टीम को पता लगा, तो दो दिन पहले की बात करें तो पूरी रात जो है फोरेंसिक टीम, उसके अलावा जो है एसओसी की टीम और सुरक्षा एजेंसियां उस शेलर को खंगालती रही। उससे कई जो है ड्रोन के कुछ हिस्से, अर्धजले हिस्से मिले। तो उसी में एक खुलासा आकाशदीप ने बताया था कि ड्रोन की जो बैटरीज हैं उसने वो इस नहर में फेंकी थी, जिसके बाद जो है अब इस नहर में जो ये टीम पहुंची है, गोताखोर नीचे उतारे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि बैटरी के कुछ हिस्से मिले हैं यहाँ से और उनको जो है इकट्ठा किया गया है। फिलहाल लगातार यहाँ पे सर्च जारी है। जी मुनीश, बिल्कुल मुनीश, क्या सिर्फ एक ही ड्रोन के जरिए ये हथियार कश्मीर पहुंचाने थे या कुछ और भी ड्रोन जो थे वो आए थे? कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई हो, कितने ड्रोन थे, किस तरीके से आए, कब आए? मोनिका देखिए, जैसे बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन में इतना वेट लेके जाना जो वो मुमकिन नहीं है। तो माना यही जा रहा है कि जैसे कि अभी पीछे खुलासा भी हुआ था कि लगभग 4 से 5 दिन लगातार जो है ड्रोन यहाँ पे भेजे गए और बारी बारी करके यहाँ पे हथियार उतारे गए। फिलहाल कितने ड्रोन थे इस बारे में अभी सामने नहीं आया, लेकिन तब भी माना जा रहा है कि 2 के लगभग ड्रोन रहे यहाँ पे, जो बारी बारी करके यहाँ पे हथियार लाते रहे। लेकिन फिलहाल जो ड्रोन के जो हिस्से मिले हैं उनको फोरेंसिक टीम अपने साथ ले गई है। जांच की जा रही है कि ये ड्रोन कहाँ का बना हुआ था, कितनी उसकी क्षमता हो सकती है, कितना वेट उठाने की क्षमता हो सकती है, कितनी उड़ान भर सकता था, कितनी दूरी वो तय कर सकता था, और ये सारे हिस्से जो है वो फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आए।